हम बैराज में एंट्री करने वाले थे और उस पुलिस वाले ने हम लोग कहा कि स्कूटी वाले टर्न हो जाओ, तो मैं घबरा गई। मैंने यश से कहा कि भैया टर्न ले लेते नहीं जाते, तो यश अब मुझे कंटिन्यूसली चिल्ला रहा था कि तुमने क्यों बोला कि टर्न हो गए, और जब आगे तक पहुंच गए थे फिर भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, अब फिर से हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी दो रास्ते जो हैं वो बार बार कोशिश कर रहे हैं पर कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब हम ये आखिरी वे में जा रहे हैं जो कुछ यहाँ इस तरह से आता है। ये देखिए हम किस किस रूट से बैराज जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और आप मतलब बैराज तो अपना ही है, हम लोग कभी भी आ जाते हैं, पर देखिए आज पूरा का पूरा कानपुर टपक पड़ा है बैराज आने के लिए। चलिए हम बताते हैं, जब आप पहुंच जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, हम बैराज पहुंच चुके हैं, बैराज नहीं पहुंचे हैं हम लोग, एक्चुअली मंदना रूट में हैं। और यहाँ सब आप देख सकते हैं, यहाँ सब फोटो वोटो खींच रहे हैं, एकदम तैयार होके आए हैं। और बड़ी शिद्दत के बाद हमें कुछ मैगी के स्टॉल्स खाली मिले हैं, अंदर आने को मिला है, लोग फोटो शूट कर रहे हैं, तो क्या दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और ये है, और ये बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ले आए। ये स्कूटी अच्छी चलाते हैं, काफ़ी अच्छी चलाते हैं, काफ़ी अच्छी चला लेते हैं स्कूटी। और आप जानते हैं मैं स्कूटी काफ़ी अच्छी चला लेती हूँ, पर आज मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने नहीं चलाया। अभी मुझे यहाँ आके पता चला कि गर्म मैगी के ऊपर अगर ये बटर रख दिया जाए तो ये अपने आप पिघल जाता है, ये कानपुर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जिनका कोई नहीं होता उनके सिबलिंग्स होते हैं खाना शेयर करने के लिए। कैसे कैसे ये सुंदरता से एकदम पिघल रहा है। और ये क्या है, इसने इसमें पूरा बटर मिला दिया है, काफ़ी आपने गुड जॉब करा है, गुड जॉब। ये देखिए, और ये चाट रहे हैं, ये चाट रहे हैं यहाँ पे।